चलिए देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे आयनिक सॉलिड के बारे में। तो देखो आयनिक सॉलिड में क्या होता है, अगर हम बात करें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी आयनिक सॉलिड किससे मिलकर के बनते हैं, तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये होते हैं हमारे पास या तो कैटायंस या एनायंस, इसलिए हम कह रहे हैं आयंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो कैटायंस एनायंस जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनको बांध करके कौन सी फोर्स रखती है, तो इनको जो बांध के फोर्स रखती है उसको हम बोलते हैं वो बाइंडिंग फोर्स है, लेकिन उस बाइंडिंग फोर्स का नाम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस को बाइंड करके रखती है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो ध्यान रखें जितने भी आयनिक सॉलिड है सभी फिजिकल स्टेट में सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबका हाई होता है, ठीक है। और हाई होने का रीजन भी यही है क्योंकि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा जो इनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं लैटिस के अंदर, पास पास सटे हुए रहते हैं, ठीक है। और अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो तीन पार्ट्स में देख लिया अपन ने, सॉलिड स्टेट, मोल्टन स्टेट और एक्वस फॉर्म। सॉलिड स्टेट के अंदर क्योंकि फ्री आयंस नहीं होते, आयंस एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, बाइंड रहते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी नहीं होती। मोल्टन स्टेट में और एक्वस फॉर्म में दोनों में डिफरेंस ध्यान है, मोल्टन स्टेट तो है कि आपने इतना हीट किया कि वो मेल्ट हो गया, पानी नहीं मिलाया उसमें, ठीक है, उसमें भी गुड कंडक्टर है। दूसरा एक्वस स्टेट का मतलब आपने पानी में डिजोल्व कर दिया, फिर दोनों अलग अलग चीजें है ना, तो पानी में डिजोल्व करने पर भी आयंस फ्री होते हैं और मोल्टन फॉर्म में भी आयंस फ्री होते हैं, तो इसलिए कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयनिक सॉलिड का डिसोसिएशन बढ़ता है, ज्यादा आयंस बनेंगे, और जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे तो डेफिनेटली क्योंकि कंडक्टिविटी आयंस ही करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है, नंबर थ्री है ये। तो फर्स्ट तो अपन ने मॉलिक्यूलर देख लिया था, दूसरा आयनिक देख लिया, और थर्ड हो गया कोवेलेंट सॉलिड। अब देखिए कोवेलेंट सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसमें भी वही सारे पॉइंट अपन रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, ठीक है। तो इनको बनाने वाले पार्टिकल्स कौन से होते हैं, तो मोस्टली कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं ना, ध्यान रखना इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर एटम्स, ठीक है। एटम्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। अब इसमें जैसे हमने कहा था ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल है, डायमंड इसका एग्जाम्पल है, तो ये कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, तो इनके अंदर एटम से मिलकर के बनता है ये। फिर दूसरा अगर हम बात करें इसमें कि इनकी बाइंडिंग फोर्स कौन सी है, बाइंडिंग फोर्स जो कि इनको बांध करके रखती है, पार्टिकल्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ करके रखती है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, ध्यान रखना कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी एटम्स के बीच में आपस में कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है जो उनको बाइंड करके रखता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। थर्ड जो आता है हमारे पास वो आता है इनकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। तो अगर हम कोवेलेंट सॉलिड को देखें तो किस तरह की फिजिकल स्टेट में मिलते हैं, तो जनरली कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं वो डेफिनेटली सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं, ठीक है। तो दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फोर्थ अगर हम देखते हैं फिजिकल स्टेट के बाद में, तो वो मिलेगा हमें बाइंडिंग फोर्स, फिजिकल स्टेट, और इसके बाद आ जाएगा एमपी एंड बीपी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप देखो अगर आप कंपेयर करो डायमंड को, ग्रेफाइट को, तो मोस्टली इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, ठीक है, इन सॉलिड्स के, तो जनरली हाई, जनरली हाई होते हैं, ठीक है। इनमें अच्छा कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे हमने फिजिकल स्टेट की बात की तो वैसे ये सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। और एक चीज और ध्यान रखें कि सॉलिड स्टेट में होंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड होंगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है, अगर हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं तो एक्सेप्शन इसका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है ना वो एक सॉफ्ट सॉलिड है, ध्यान रखना सॉफ्ट सॉलिड है, इसको अपन इसके एक्सेप्शन में लिख सकते हैं, जबकि डायमंड जो है वो एक हार्ड सॉलिड है। और नंबर फाइव अगर हम बात करते हैं तो वो आती है वापस कंडक्टिविटी की। तो देखो कंडक्टिविटी के हमने दो ही रीजन बताए थे, ठीक है, या तो फ्री आयन होना चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर हम कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो उनमें जनरली क्या होता है, ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जनरली, जनरली बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर,
लेकिन इसका एक्सेप्शन देखें हम, एक्सेप्शन मतलब जनरली तो होता ही नहीं है कंडक्टर, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट है, एक्सेप्शन इसका ग्रेफाइट है। अब यहां से ना क्वेश्चन भी बनता है इसके अंदर, ध्यान रखना इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाता है कि डायमंड और ग्रेफाइट, जो छोटी क्लास में भी अपन लोग पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, कि जो आपके पास डायमंड है वो तो बहुत ज्यादा हार्ड है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट है, दोनों कोवेलेंट सॉलिड है। डायमंड में कंडक्टिविटी नहीं होती, ग्रेफाइट में होती है, जबकि दोनों कोवेलेंट है। तो मतलब दोनों कोवेलेंट होते हुए दोनों का नेचर एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसा क्यों है? तो ये चीज कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ओके डन, तो इसको रफ कर देते हैं अपन एक बार। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ओके तो चलिए इसको देख लेते हैं आगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि डायमंड, डायमंड इज हार्ड एंड बैड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड हार्ड है और इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर है। जबकि दूसरी बात अगर हम देखें तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अब ऐसा क्यों है, इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए तो एक एक करके लेते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, ठीक है। तो ग्रेफाइट को देखते हैं, तो ग्रेफाइट एक्चुअली क्या होता है, एक हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर शो करता है। हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है इसका, कि जैसे ये ग्रेफाइट के अंदर कार्बन्स हैं। यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। इस तरह से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, हेक्सागोनल लेयर्स बनाएगा ये। दिस इज अ लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ये तो एक लेयर बनाई है हमने, इसी तरह से इसके नीचे एक लेयर और बना देते हैं हम। ऐसे ये दूसरी लेयर बन गई है, हेक्सागोनल लेयर है, ठीक है, ये हेक्सागोनल लेयर हो गई है। अब इन हेक्सागोनल लेयर्स को थोड़ा अपन ध्यान से देखें, तो यहां क्या है कि इन हेक्सागोनल लेयर्स के बीच में, ठीक है, एक इस तरह से वीक अट्रैक्शन फोर्स है जो इनको बाइंड करके रखे हुए, जो इनको बांध के रखे हुए। तो ये जो हमें फोर्स दिख रही है ना, वीक अट्रैक्शन फोर्स, इस फोर्स को हम कहते हैं वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये वीक बॉन्ड है, बहुत वीक बॉन्ड है, ध्यान रखना, ये बॉन्ड बहुत ही वीक है। अब होगा क्या कि जब हम एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो जैसे ही हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे पर स्लिप हो सकती है लेयर्स, क्योंकि ये बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा वीक है। तो इस वजह से क्या है कि इस बॉन्ड की वजह से ये क्या है, यहां लिख सकते हैं अपन, ड्यू टू वीक वीक बॉन्ड बिटवीन लेयर्स, बिटवीन लेयर्स, लेयर्स के बीच में जो वीक बॉन्ड है, ठीक है, इट इज सॉफ्ट। ये तो बात हो गई सॉफ्ट की। अब बात आती है कि ये कंडक्टिविटी क्यों शो करता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी शो करने का रीजन समझना, देखो सिंपल सा है कि आप देखो कार्बन जो होता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखते हैं तो 2 4 यही होता है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसको बॉन्ड कितने बनाने चाहिए, 4। अब ये बॉन्ड कितने बना रहा है, 3, ठीक है। एक और इसका रीजन होता है समझाने का कि एक्चुअली यहां पर अगर देखा जाए तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, कार्बन का, वो sp, यहाँ पर 2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 में तो 4 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, sp2 के अंदर 3 ही बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री रहता है मूव करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री है ना मूव करने के लिए, ये लेयर के अंदर मूव कर सकता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो अगर कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं तो
तो यहां हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू वन फ्री इलेक्ट्रॉन विद ईच कार्बन इट इज गुड कंडक्टर। ठीक है, ये अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये तो दोनों रीजन क्लियर हो गए कि सॉफ्ट क्यों होता है और गुड कंडक्टर क्यों होता है। दूसरी तरफ बात आती है डायमंड की। अब अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड का स्ट्रक्चर इससे थोड़ा डिफरेंट है। देखो डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। इस तरह से डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। तो डायमंड के अंदर हम देख सकते हैं कि जो एक कार्बन है एक्चुअली में वो कितने कार्बन से सराउंडेड है, चार कार्बन से सराउंडेड है। ठीक है, दिस वन कार्बन इज सराउंडेड विद फोर कार्बन। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी चारों वैलेंसी, इसके जो चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काम में आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है डायमंड भी कार्बन उससे कार्बन से बनता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बनता है, बट इसके चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम में आ गए। तो इसमें पहली बात तो ध्यान रखिए, डायमंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, सो इट इज बैड कंडक्टर। ठीक है, इसलिए ये बैड कंडक्टर है। दूसरा, हार्ड क्यों है, हार्ड होने का रीजन क्या है? आप देख रहे हो कि इसमें तो लेयर्स के बीच में एक वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये कैसा है, इट हैज रिजिड 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसका जो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है, इस नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से ही इसकी हार्डनेस बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसमें दोनों रीजन क्लियर है, दोनों है कोवेलेंट, लेकिन दोनों के कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये कोवेलेंट हो गया आपको। अब देखिए लास्ट है अपना मेटेलिक सॉलिड। अब मेटेलिक सॉलिड्स में अगर हम बात करें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो मेटेलिक सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखो मेटल्स के अंदर आप देखो दो चीज देखने को मिलती है, एक तो मेटल आयन होता है और दूसरा साथ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी मेटल में मूव करते रहते हैं हमें पता है। तो दो चीजें होती हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नाम पर, एक तो होता है मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं इसमें बाइंडिंग फोर्स, तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि मेटल को बाइंड करके रखती है? जबकि देखा जाए मेटल के अंदर सबके सब मेटल के जो एटम्स होते हैं वो तो सेम होते हैं, तो और हमें ये पता है कि मेटल जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे को रिपल करने चाहिए, फिर भी रिपल नहीं करते, एक दूसरे के साथ में बाइंड करके रखते हैं। तो उसका रीजन क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है। जैसे आप यूं समझ लें, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है और एक इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, तो ये तो इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा और ये इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, तो ये अट्रैक्शन एटम्स को एक दूसरे के पास रखेगी, है ना। तो यहां पर इस अगर हम बाइंडिंग फोर्स, इसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड और कुछ नहीं है, ये एक अट्रैक्शन है किसके बीच में, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है। तो आप इसको ये लिख सकते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम विद अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम। ठीक है, बाइंडिंग फोर्स के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में फिजिकल स्टेट। तो अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जनरली मेटल्स जो होते हैं ना वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। तो जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में आपको मर्क्यूरी मिल जाएगा HG, जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक है, तो ये सॉलिड नहीं है।
है, और जनरली सॉलिड एंड हार्ड भी होते हैं, ठीक है। और एक और एक्सेप्शन देखें तो जैसे मरकरी के साथ में आप देखो गैलियम हार्ड नहीं होता ज्यादा, सीजियम हार्ड नहीं होता, तो ये सॉफ्ट मेटल्स है, ठीक है। इसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो अगेन वही चीज है, इनके जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, बट अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में वापस वही आ जाएंगे जो लिक्विड स्टेट में है, जैसे मर्करी, ठीक है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी कम है, इस वजह से लिक्विड है। लेड का भी काफी कम होता है, सीसा जो होता है, ठीक है, पीबी, मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है, गैलियम का कम है, सीजियम का कम है, जिंक का भी काफी कम होता है, जिंक भी मेल्ट हो जाता है आराम से ज्यादा हीट करने पर, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं जनरली देखने पर। और इसके बाद बात आती है कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी, तो जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें कंडक्टिविटी, जैसे हमने जहाँ कंडक्टिविटी देखी थी आयनिक सॉलिड्स के अंदर, तो हमने इसको दो पार्ट्स में पढ़ा था, मोल्टन फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। तो हमने देखा था मोल्टन फॉर्म में कंडक्टर थे लेकिन सॉलिड में नहीं थे, लेकिन अगर अपन यहाँ बात करते हैं तो ध्यान रखना कि सॉलिड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में, ठीक है, एक तो पिघले हुए रूप में और एक सॉलिड रूप में, दोनों ही रूप में क्या होते हैं, इन बोथ द फिजिकल स्टेट दे आर कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल में सारे आ जाएंगे, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, आयरन आ गया, जिंक आ गया, आपके एल्युमिनियम आ गया, ठीक है, तो ये सब मेटल्स हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, एक इसमें आता है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, तो बता सकते हैं बेटा कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने आयनिक सॉलिड में तो पढ़ा था कि आयनिक सॉलिड में तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी, इसमें क्या होना चाहिए, कोई आइडिया, बढ़ जानी चाहिए घट जानी चाहिए। एक्चुअली यहां जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, समझना। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक मेटल क्रिस्टल है, इस मेटल क्रिस्टल के अंदर ये आपके पास मेटल आयंस बना दिए मैंने, ठीक है, और इन मेटल आयंस के पास में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भी है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, और मूव करते रहते हैं तो इस वजह से वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब क्या होगा, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमें पता है कि ये जो मेटल आयंस है ना बेटा, ये कहीं जा तो सकते ही नहीं है, लेकिन ये क्या करेंगे, ये अपनी ही जगह पर ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे यूं करके, और जब वाइब्रेशन करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव कर रहा था जिसकी वजह से कंडक्टिविटी थी, तो उनके रास्ते में रुकावट आएगी कि नहीं, ऑब्स्टेकल आएगा, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये ध्यान रखें कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना वाइब्रेशन कह लो आप, यहां पर ऑक्सीलेशन कह लो, वाइब्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, मेटल आयंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और इसमें ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो बाधा है, रुकावट है, वो बढ़ जाएगी, और डेफिनेटली कंडक्टिविटी इसलिए घट जाएगी, कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है मेटल्स के अंदर, ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है।